हुई थी वहीं पे कार्रवाई की है। वापस गांधी भवन से स्टार्ट होकर के कमंडेशपुरा और पड़ाव होते हुए अभी हम लोग ये ट्रांसपोर्ट नगर पुराना इसमें है, यहाँ से लेकर के कैसे बाटा तिराहे तक वापस जाएंगे। हाँ हाँ, ये जो बिल्कुल कमंडेशपुरा में है वो वाहन जो हमारा ट्रक फंसा था वो सही बात है, बिल्कुल इन्होंने दुकानदारों ने गलत किया है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आज ये वाहन फंसा है, कल कोई अगर भयंकर दुर्घटना होती है मार्केट में, जैसे आगजनी है या और कोई भी होती है, एम्बुलेंस को भी आना हो या अपने फायर ब्रिगेड को आना हो, तो इस तरह से वो एंटर नहीं कर पाएगी और इनके लिए खुद के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। मैडम कल भी आपने कार्रवाई करी थी, इसके पश्चात भी आज भी? बिल्कुल, कल कार्रवाई की गई थी, उसके बाद आज जो कार्रवाई गई है, कल और आज की कार्रवाई में लगभग 70-80% का फर्क आया है। कुछ दुकानदार हैं जो बिल्कुल ही मतलब एक तरह से कहें तो हट्टी या जिद्दी लोग हैं, उनके खिलाफ आज बहुत ही डबल मतलब उसके साथ कार्रवाई की गई है और उनका सामान बिल्कुल जब्त किया जाकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल जारी रहेगी आज कार्रवाई, कल जिस तरह जहां करी थी उसी रूट पे की गई है। गांधी भवन से हम स्टार्ट हुए थे, गांधी भवन से मदागेट, मदागेट से कमंडेशपुरा, कमंडेशपुरा से पड़ाव, ट्रांसपोर्ट नगर, केसरगंज, बाटा तिराया, ये पूरा रूट उसी को है और कंटिन्यू करेंगे जब तक ये लोग सामान अपना हटा नहीं लेते, अस्थायी अतिक्रमण है वो हटा नहीं लेते हैं। 30-7 को बाटा से तिराया से शुरू होकर के है और केसरगंज पड़ाव होते हुए मदारगेट वगैरह पहुँचे थे, आज उसी कार्रवाई को मदारगेट से प्रारंभ करके मदारगेट से होते हुए पड़ाव होते हुए अब केसरगंज की तरफ वो अस्थायी अतिक्रमण हटा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस और आज फिर उनका सामान जब्त किया जा रहा है, कंटिन्यू थोड़ा हम प्रयास करते रहेंगे तो इनको सिर्फ याद आ जाएगा। आज कहाँ का कार्रवाई की आपने? आज बाजार गेट से प्रारंभ होकर के और पड़ाव होते हुए केसरगंज होते हुए चक्कर होते हुए वहीं से जाकर के इसका वोट समाप्त कर। सत्यनारायण बोरा।